ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल और सिंपल सी केक की रेसिपी लाई हूँ। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट हाँ, आपको इस केक को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत छोटी छोटी बात का यहाँ पर ख्याल रखा है। और प्लस में आपको मेजरिंग कप से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी सॉल्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक पक्का से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर दही ले रही हूँ। यहाँ पर दही की क्वांटिटी है 1/4 कप। आप अगर बेड से करो तो ये 60 ml है, और अगर चम्मच की बात करो तो ये चम्मच से लगभग 6 से 7 चम्मच है। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने आपको जो चम्मच दिखाया है, इस तरह का आप कोई भी चम्मच ले लो। और सारी मेजरिंग मैंने उसी चम्मच से सेट की है, तो आप इसी चम्मच का यूज करना सारी मेजरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। अगर आप उस चम्मच से नापो तो ये 5 चम्मच हो जाएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पर चीनी ले रही हूँ। तो चीनी 1/2 कप मैंने लिया है, 1/2 कप। प्लस मैंने 1 चम्मच और लिया है। अगर आप बेड से कहो तो ये 125 ग्राम है, और चम्मच से कहो तो ये चम्मच से आपको लगभग 12 चम्मच के आसपास आ जाएगा। अब अच्छे से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ। लगभग 3 से 4 मिनट इसे रेगुलर मिक्स करना है, ताकि जो हमारा मिक्सचर वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। तो मैंने मिक्स कर लिया है, और साथ में ही मैंने यहाँ पर 125 ml मिल्क ऐड किया था। जो मैंने मिल्क ऐड किया था उसका क्लिप मिस हो गया है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैंने कितना मिल्क लिया था। तो मैं इसे भी मिक्स कर दे रही हूँ, और मैं अब इसे ढक कर के रख दे रही हूँ, ताकि जो मैंने इसमें चीनी ऐड किया था वो अच्छे से पिघल जाए। तो जब तक हमारी चीनी मेल्ट होती है, हम कुछ ड्राई इन्ग्रीडियंट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कटोरी ले रही हूँ, और उसके ऊपर एक छलनी रख रही हूँ। केक में आपको जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट का यूज़ करना है वो छानकर ही यूज़ करना है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। मैदा मैंने 1 कप लिया है। अगर चम्मच से कहो तो ये टोटल 10 चम्मच है। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से 10 चम्मच लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें कोको पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है, बिल्कुल भर कर। आप देख सकते हो इसी तरीके से आपको भी लेना है। नेक्स्ट मैं इसमें 2 पिंच नमक ऐड कर रही हूँ। साथ में ही मैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले रही हूँ। मैं आपको नॉर्मल वाला जो चम्मच है उसमें डालकर दिखा दे रही हूँ कि 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर कितना होता है। नेक्स्ट मैं इसमें बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून लिया है। तो मैं दोनों को नॉर्मल वाले चम्मच पे डालकर आपको दिखा दे रही हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कितना बेकिंग सोडा लेना है। नेक्स्ट मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करो, और अगर ना है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। सारी चीज़ों को मैं अच्छे से छान ले रही हूँ। तो मैंने इसे अच्छे से छान लिया है। तो चलिए इसे मैं मिल्क वाले मिक्सचर में ऐड कर ले रही हूँ, और एक केक का बैटर बना ले रही हूँ। तो 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, और चीनी लगभग मेल्ट हो चुका है। तो मैं इसे एक बार मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट को 2 बार करके ऐड करूँगी। एक बार में ही सारा ऐड नहीं करना है, मैं इसमें 2 बार करके ऐड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 बार करके। तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें दूध की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर 60 ml वापस से दूध ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसे भी अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। प्लस में आपको दूध बिल्कुल ठंडा लेना है, गर्म दूध नहीं लेना है। तो हमारा बैटर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं केक के लिए पॉट को ग्रीस कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक टिफिन का पॉट लिया है, तो इसे मैं तेल से अच्छे से ग्रीस कर ले रही हूँ। आपको पूरे बर्तन को तेल से अच्छे से ग्रीस करना है, कहीं पर भी आपको छोड़ना नहीं है। अब मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, और मैदा को भी बहुत अच्छे से पूरे पॉट में फैला लेना है, और इसे एक बार झाड़ लेना है। तो हमारा पॉट भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं केक के बैटर में विनेगर ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून और 1/4 टीस्पून विनेगर का यूज़ कर रही हूँ। तो इसे भी मैं हल्के हाथों से बस 5 से 6 बार स्पैचुला से मिक्स कर दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अब मैं केक के बैटर को केक के पॉट में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ, और इसे ज़मीन पर अच्छे से टैप कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल्स ना रहें। तो मैंने इसे टैप कर लिया है। अब चलती हूँ मैं इसे बेक करने की तरफ। तो मैं यहाँ पर एक पुराना कुकर ले रही हूँ, मैं सारी बेकिंग इसी में करती हूँ। तो इसकी तली में मैं एक स्टैंड रख रही हूँ, एक पुराना सा ये स्टैंड है। आप चाहो तो कोई प्लेट या फिर कटोरी को इसमें पलट के रख सकते हो। तो यहाँ पर आप एक बात का ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर कुकर का रबड़ नहीं निकाला है, सिर्फ मैंने यहाँ पर कुकर का सीटी निकाला है। बहुत लोग पूछते हैं कि केक में कलर नहीं आता है,
तो मैं सिर्फ सीटी निकालती हूँ, मैं कुकर का रबर नहीं निकालती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसी की वजह से केक का जो ऊपर का कलर वो बहुत अच्छा आता है। तो अब जरूरी बात है कि केक को कितना देर तक पकाना है। तो स्टार्टिंग के जो 25 मिनट है उसमें लो को धीमा से थोड़ा ज्यादा रखना है, और जो बाद की 15 मिनट है उसमें आपको फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है। मतलब आपको टोटल केक को बेक करने में 40 मिनट के आसपास लग जाएंगे। हो सकता है किसी को कम टाइम लगे या फिर किसी को ज्यादा भी लग सकता है, वो फ्लेम पर डिपेंड करता है। तो जब तक केक बेक होता है, मैं यहाँ पर केक के लिए क्रीम बना ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक स्टील का कटोरी लिया है और इसमें कुछ आइस ऐड कर रही हूँ और उसके ऊपर एक कांच का बॉल ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें 250 ml फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये एक कप है, 250 ml के आसपास है। और साथ में मैं इसमें एक चम्मच कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और हाँ, जो मैंने यहाँ पर क्रीम ऐड किया है उसमें पहले से ही शुगर है, तो मुझे एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर आपकी क्रीम में शुगर नहीं है तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो। केक के लिए मेरा क्रीम तैयार हो चुका है और साथ में ही मैंने मेरा केक भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऊपर से कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। आपको मैं एक बार चेक करके दिखा दे रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मतलब ये बहुत अच्छे से अंदर से भी बेक हुआ है। अब मैं इस केक को ठंडा कर लूंगी, तो उसके लिए मैं इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से ये ठंडा हो जाए। और प्लस में जो उसका ऊपर का सतह है वो हार्ड ना हो, इसलिए मैं इसे ढक दे रही हूँ। तो 10 मिनट हो चुके हैं लगभग, केक अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसके साइड्स को अलग कर ले रही हूँ और जो भी एक्स्ट्रा मैदा आ रहा है उसे हमें निकाल लेना है। तो मैं केक को बाहर डिमोल्ड कर ले रही हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से केक बाहर आ चुका है और देखिए बर्तन में बिल्कुल भी नहीं चिपका है और साथ में कितने सारे इसमें जाली बने हैं। अब मैं केक का 2-3 लेयर कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले मैं चाकू से निशान लगा रही हूँ और उसके बाद जो नॉर्मल धागा होता है सिलाई करने वाला उससे मैं इसे कट कर ले रही हूँ। बहुत आसानी से कट हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप देख सकते हो कितना इजीली ये कट गया है और आप इसकी जालियाँ देख सकते हो, कितनी सारी जालियाँ हैं और बिल्कुल केक अंदर तक पका हुआ, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। तो चलिए मैं इसके 3 लेयर्स और कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसके ऊपर क्रीम लगाऊंगी। तो मैंने 3 लेयर कर लिया है। अब मैं एक कटोरी में चीनी ले रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच कोकोआ पाउडर ले रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर इससे थोड़ा कम कॉफ़ी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो। और 1 चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और 5 मिनट के लिए रहने दूँगी ताकि इसका जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए। आप चीनी की जगह पर पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक केक बोर्ड ले रही हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ ताकि जो हमारे केक का बेस है वो फिसले ना। मैं इस पर एक बेस को लगा दे रही हूँ। अब इसके ऊपर मैं कोकोआ पाउडर और चीनी का सिरप डाल रही हूँ ताकि जो हमारा केक है वो बिल्कुल अंदर तक मॉइस्ट रहे। अब मैं इसके ऊपर क्रीम का लेयर लगा रही हूँ। नेक्स्ट आपको वीडियो में जितने भी प्रोसेस दिखाए गए हैं उसी हिसाब से आपको करना है। मैंने यहाँ पर चॉकलेट में 2 से 3 चम्मच दूध देकर इसे मेल्ट कर लिया है। बट यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने चॉकलेट को मेल्ट किया है उसके बाद उसे अच्छे तरीके से ठंडा नहीं किया था। उसके वजह से जो मेरा बेस है जिसमें मैंने क्रीम लगाया था वो हल्का पिघल गया है। तो आपको क्या करना है कि चॉकलेट को मेल्ट करके उसे थोड़ा ठंडा कर लेना, उसके बाद ही ऊपर से अप्लाई करना है, वरना वो मेल्ट हो जाएगा नीचे वाला बेस। तो मैंने बहुत अच्छे से मेल्टेड चॉकलेट से पूरे केक को कवर कर दिया है और जिस क्रीम से मैंने बेस को कवर किया था वही थोड़ा सा क्रीम मेरे पास बच गया था उसे मैं साइड्स में बॉर्डर दे दे रही हूँ। और ऊपर से मैंने एक हार्ट शेप का कुकी कटर रखा है जिसके अंदर मैं स्प्रिंकल फील कर रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, बट अगर आप भी ऐसा करते हो तो काफ़ी केक सुंदर देखने में लगेगा। एंड लास्ट ये कम्प्लीटली फाइनल हो चुका है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। 5 से 10 मिनट आप इसे फ्रिज में सेट कर दो, उसके बाद ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये आज की वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड कोई भी प्रॉब्लम है आपको बेकिंग करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूँगी। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद छोटा सा जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करके ऑल कर लेना, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लोगे तो मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचेगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।